हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ अखिल चौधरी और ये हमारा यूट्यूब का चैनल। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, आज हम बात करने वाले हैं अलाउंसेस के बारे में। ये टैक्स के एक टॉपिक है, ठीक है। टैक्स के अंदर अपने लोग क्या पढ़ते हैं, हेड ऑफ इनकम, जिसमें हेड ऑफ सैलरी होता है, इनकम फ्रॉम हेड ऑफ सैलरी। ओके, और सैलरी में आप लोग अलाउंसेस के बारे में पढ़े होंगे और इसमें कन्फ्यूज भी बहुत ज़्यादा हुए होंगे। ओके, तो चलिए सैलरी को, अलाउंसेस को मैं दो पार्ट में बांटता हूँ। ओके, अंडर सेक्शन 10-14 एंड अंडर सेक्शन 10-13A। ओके, 10-13A के बारे में HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस के बारे में बात किया गया है, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में, मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में YouTube पे अपलोड कर रखा है। जिनको भी हाउस रेंट अलाउंस में प्रॉब्लम हो वो मेरे पहले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। ओके, नाउ अंडर सेक्शन 10-14 के अंदर दो आते हैं, अंडर सेक्शन 10-14-1 एंड 10-14-2, ठीक है। तो आज मैं अंडर सेक्शन 10-14-1 के बारे में बात करूंगा, जिसमें 6 अलाउंसेस हैं, और इसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियोस में बात करूंगा। ओके, तो देखिए अंडर सेक्शन 10-14-1 के अंदर 6 अलाउंसेस आते हैं, जिसमें ऐसा है, ऐसा लिखा गया है कि अमाउंट रिसीव्ड एंड अमाउंट स्पेंट फॉर ऑफिस पर्पस, मतलब आपको क्या मिला है और आपने क्या उसमें से खर्चा किया है, ठीक है। इसमें से जो लिस्ट होगा, मतलब इसमें से जो कम होगा वो क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा एंड बैलेंसेस टैक्सेबल। सो चलिए, ये तो बहुत सा नॉर्मल है कि आपको क्या मिला और आपने क्या खर्चा किया, इसमें से जो कम होगा वो एग्जम्प्ट होगा एंड बैलेंसेस टैक्सेबल। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि स्टूडेंट ये भूल जाते हैं कि इस वाले सेक्शन में ये 6 अलाउंसेस हैं वो कौन कौन से हैं। उनको ये पता होता है कि जो आपको मिला है और जो स्पेंट हुआ है उसमें से जो कम होगा उसको क्या करना है, एग्जम्प्ट एंड बैलेंसेस टैक्सेबल। बट द पॉइंट इज कि स्टूडेंट को ये नहीं याद होता है कि 6 अलाउंसेस में कौन कौन से अलाउंसेस आते हैं। सो चलिए, मैं यहाँ आज आपको एक बहुत सा शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ, जिससे आपको ये 6 अलाउंस कभी नहीं भूलेंगे। ओके, तो चलिए, आपको याद क्या रखना है, हट ड्यू चल। एक स्टूडेंट, ठीक है, एक यहाँ एक स्टूडेंट था, ये दूसरा, मतलब ये दोनों दोस्त थे ए और बी। ए ने बी के कहा, ए ने बी को कहा हट डी यू चल, मतलब डी यू चलते एडमिशन के लिए। ओके, तो देखिए हट का एच ए टी डी यू एंड सी 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 अलाउंसेस हैं, ये 6 अलाउंसेस इसी से हैं, ठीक, एच ए टी डी यू एंड चल। तो हट डी यू चल, ये आपको हमेशा याद रहेगा। अब देखिए 6 अलाउंसेस के नाम क्या है, ठीक है। एच से हेल्पर अलाउंस, ओके, एच फॉर हेल्पर अलाउंस, ए फॉर एकेडमिक अलाउंस, ठीक है, डी फॉर, नहीं सॉरी टी है, टी फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस, डी फॉर डेली अलाउंस, यू फॉर यूनिफॉर्म अलाउंस एंड सी फॉर कन्वेंस अलाउंस। इट मीन्स अगर आपको ये याद है, एच ए टी हट डी यू चल, ठीक है, एच फॉर यहाँ देखिए हेल्पर अलाउंस, ठीक है, ए फॉर एकेडमिक अलाउंस, टी फॉर ट्रेवलिंग अलाउंस, डी फॉर डेली अलाउंस, यू फॉर यूनिफॉर्म अलाउंस एंड सी फॉर कन्वेंस अलाउंस। मतलब ये ऐसे 6 अलाउंस हैं जिसमें ऐसा है कि अमाउंट रिसीव्ड, आपको क्या अमाउंट रिसीव्ड हुआ एंड अमाउंट स्पेंट, ओके, अमाउंट रिसीव्ड एंड अमाउंट स्पेंट। इसमें से जो लिस्ट होगा, ठीक है, विच एवर इज लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इस दोनों में से जो कम होगा वो क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा एंड बैलेंसेस टैक्सेबल। सो आपको मैंने यहाँ पे एक याद रखने का ट्रिक बताया है, आपको याद क्या रखना है, हट डी यू चल, एच ए टी डी यू और चल का सी, ये 6 वर्ड्स हैं जो ये 6 नामों को याद रखने आपकी मदद करेंगे। आई थिंक अब आप ये कभी नहीं भूलेंगे कि इस वाले सेक्शन में, अंडर सेक्शन 10-14-1 में वो कौन से 6 अलाउंसेस थे जो ये सब आते हैं। जब भी आपको ऐसा मिले किसी क्वेश्चन में कि अमाउंट रिसीव्ड ये और अमाउंट स्पेंट ये, तो आप फटाफट क्या करेंगे, क्वेश्चन के पीछे हट डी यू चल लिखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से अलाउंसेस इसमें आते हैं। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चन में कुछ ऐसे अलाउंसेस देते हैं कि जिसमें ये तो देते हैं अमाउंट रिसीव्ड एंड अमाउंट स्पेंट, बट वो इसमें आता ही नहीं है। इट मीन्स बच्चे को कन्फ्यूज करने के लिए देते हैं कि वो ये वाला प्रोविजन लगा के और जो बैलेंस बचे उसको टैक्सेबल कर दे। ओके, तो आपको याद रहना चाहिए कि इस सेक्शन में ये 6 अलाउंसेस कौन कौन से थे, और आई होप अब आप लोग को याद भी रहेगा। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।
और मैं नेक्स्ट वीडियो में ये जो 7 अलाउंसेस हैं मैं इसके बारे में बात करूँगा। तो अभी तक मैंने ये 6 अलाउंसेस बता चुका हूँ और ये HRA भी बता दिया है, एंड नेक्स्ट वीडियोज में 7 अलाउंसेस के बारे में बात करूँगा अंडर सेक्शन 10, 14, 2। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।